दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। दोस्तों मैं हूं नितेश, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेदांग, वेदांग यानी वेदों के अंग। दोस्तों आज सबको पता है वेदांग छह है और वेदांगों के नाम भी है। इन सब छह वेदांगों को अगर हम जोड़े तो ये पार्ट जो है काफी लंबा हो जाता है, लेकिन ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वेदांगों को लेकर के अक्सर सवाल पूछे जाते रहे, खास करके दर्शन के छात्र जो फिलोसफी के छात्र हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों बात करेंगे वेदांग, वेदांगों की जरूरत क्यों पड़ी। तो वेदांग जो है वैदिक क्रियाओं के अनुष्ठान में ये सहायक होते हैं, ठीक है। फिर उनके हम देखेंगे उद्देश्य, उनके उद्देश्य क्या क्या है, यानी वेदांगों की रचना क्यों करनी पड़ी। पहला जो है क्या, वेदों का अपबोध कराना, वेदों का अर्थ बोध, है ना। वेदांग क्या कराते हैं, वेदों का अर्थ बोध कराते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी जो इनकी उद्देश्य है वो है सही उच्चारण में ये सहायक है, ठीक है, सही उच्चारण में सहायक, ठीक है, ये इसके दो उद्देश्य प्रमुख है। तीसरा उद्देश्य क्या है, इसमें वेदों का याज्ञिक प्रयोग बताया गया है, वेदों का याज्ञिक प्रयोग, है ना। याज्ञिक प्रयोग से क्या मतलब है, वेदों का याज्ञिक प्रयोग इसमें बताया गया है, ठीक है। कैसे, देखो वेदांग में दो अंग हैं, कल्प और ज्योतिष, उसमें इनका वेदों का याज्ञिक प्रयोग बताया गया। अब देखो कुछ चीजें, मुंडक उपनिषद में इन वेदांगों को अपरा विद्या कहा गया, तो वेदांगों को क्या कहा गया है, अपरा विद्या। तो अपरा विद्या क्या है, वेदांग में इनको ये कहां संघीय संज्ञा कहां दी गई है, मुंडक उपनिषद में, ठीक है। तो मुंडक उपनिषद में वेदांगों को अपरा विद्या भी कहा गया है, अच्छा ठीक है। ये इनका छोटा सा मैंने एक आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें थोड़ी सी अलग हटके हैं। अब देखो वेदांग कौन कौन से हैं, कितने हैं, वेदांग हम जानते हैं वेदांगों की संख्या छह हैं, छह कौन कौन से हैं, देखो शिक्षा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चार है, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ठीक है, ये इनके छह नाम है। वेदांग के छह नाम कौन कौन से हैं, छह कौन कौन से हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है और निरुक्त, ठीक है। अब इनको क्या, अगर मान लो वेद को पुरुष माना जाए तो उसके अंग जो हैं वो किस प्रकार होंगे, ये कैसे माने जाएंगे, ये देखो छंद जो है वो वेदों के पैर हो गए, छंद क्या हो गए, वेदों के पैर। अगर हाथ कौन से होंगे, कल्प, ठीक है ना, कल्प वेदों के हाथ हो गए, अच्छा। अब नेत्र क्या हो गया इसका, ज्योतिष, है ना, नेत्र क्या हो गया, ज्योतिष, ठीक है। निरुक्त इसके कान हो, निरुक्त इसके कान हो जिनको श्रोत्र इंद्रिया भी कहते हैं, शिक्षा इसकी नाक हो गई, है ना, या घ्राण हो गई, घ्राण इंद्रिय, ठीक है। अब बचा व्याकरण, तो व्याकरण क्या हो गया, व्याकरण इसका मुख हो गया, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण को ही माना गया है। वेदांगों के छह अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। शिक्षा को इसकी नाक माना गया है और कल्प को इसका हाथ माना गया है, व्याकरण को मुख माना गया है, छंद को पैर माना गया है, छंदोतु पादम, और ज्योतिष को इसका नेत्र माना गया है, निरुक्त इसके कान कहलाते हैं। ये वेदों के छह अंग और इनके उपनाम भी हैं, ठीक है, अच्छा। छह वेदांगों के अलावा बृहद देवता शौनक से भी वेदों की जानकारी हमें मिल जाती है। ये वेदों का प्रारंभिक, सॉरी वेदांगों का प्रारंभिक परिचय मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम देखेंगे पहला वेदांग शिक्षा, है ना, पहला वेदांग कौन सा है, शिक्षा। शिक्षा क्या है, पहला वेदांग है। शिक्षा को क्या उपमा दी गई थी, शिक्षा को घ्राण इंद्रिय बताया गया, ठीक है ना, या शिक्षा वेदों की नाक भी कहलाती है। अब देखो इसको डिटेल से, वेदों की प्रत्येक शाखा के उच्चारण की प्रक्रिया अलग अलग होती है,
इस कारण इसे प्रतिशाख्यान भी कहते हैं, प्रतिशाख्य भी कहते हैं। तो शिक्षा एक इसका प्रतिशाख्य भी कहलाता है। अच्छा अब देखो वर्ण कुल कितने हैं, 63 या 64। शिक्षा में अपन देखेंगे, शिक्षा लेते हैं अपन, है ना, उसमें व्याकरण भी शामिल है, साहित्य भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। तो प्रारंभिक चीजें भी यहाँ पर देख लेते हैं। मैं ये चीजें वैसे आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ग्रामर जो पार्ट है, संस्कृत ग्रामर जो पार्ट है, उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो देखो फिर भी आप देख लो वर्ण कुल कितने हैं, शिक्षा में ही शामिल है, वर्ण या तो 63 माने गए हैं या 64, दोनों ही सही है और दोनों ही आएगा उत्तर। ठीक है, फिर वो जहां दोनों ऑप्शन लिखोगे वही करना है। अब इनमें दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर है 3, कौन से, उद्दात, ठीक है ना, उच्चैः उद्दात, अनुद्दात, ठीक है, और स्वरित, तीसरा है स्वरित। ठीक है, 3 स्वर है, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। और मात्राएं पर कितनी है, 3 ही कुल मात्राएं हैं। मात्राएं कुल कितनी है, मात्राएं कुल 3, ठीक है ना, क्योंकि उद्दात अनुद्दात स्वरित है तो मात्राएं भी 3 ही हो गई, छोटी बड़ी हो उससे बड़ी आ रही, उससे बड़ी काम में नहीं आती, पर मात्राएं 3 है, ये फिगर आप याद रख लेना। अच्छा उच्चारण स्थान कुल कितने हैं, मैं केवल वही चीज बता रहा हूं पढ़ाने के लिए, अथा समुंदर है, सिलेबस अथा है, पर वो चीज बता रहा हूं जो कि अपने काम की है। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। पिछले वीडियोस में मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ उच्चारण स्थानों के बारे में, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप उच्चारण स्थान संबंधित वाला ये कंपटीशन बॉस का वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, उच्चारण स्थान कुल कितने बताए गए हैं, 7 बताए गए हैं। और प्रयत्न कुल कितने हैं, देखो कहीं 4 कहीं 5, प्रयत्नों की संख्या 4+11, ये अभ्यंतर प्रयत्न और ये बाह्य प्रयत्न, ये प्रयत्नों की संख्या है। ठीक है ना, प्रयत्नों की संख्या है, कहीं कहीं 5 भी बताई गई है, 5/4 नहीं है, कहीं कहीं प्रयत्नों की संख्या 4 है तो कहीं 5 है, तो आप ध्यान रखो प्रयत्न कुल 4 बताए गए हैं। ठीक है ना, 4+11 ये प्रयत्नों की संख्या बताई गई है। अच्छा शाम एक चीज होती है, शाम किसको कहते हैं, ये सवाल आते हैं, है ना, नेट वाले विशेष रूप से याद रखें, शाम किसको कहते हैं। शाम क्या होता है कि गुणयुक्त निर्दोष उच्चारण, है ना, उच्चारण जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, है ना, उच्चारण से संबंधित है, उच्चारण कैसा होना चाहिए, एक तो गुणयुक्त होना चाहिए, है ना, यानी कि उसमें कोई ना कोई गुण हो। दूसरा निर्दोष उच्चारण होना चाहिए, यानी कि आप बोलो कुछ और कोई समझे कुछ, ऐसा उच्चारण किसी भी काम का नहीं होता, तो उच्चारण निर्दोष होना चाहिए। साम के बारे में कहा गया है कि गुणयुक्त या निर्दोष उच्चारण को ही साम कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें और चीजें, वेदांगों का अपन पहला अंग पढ़ रहे हैं, है ना, वेदांगों के तहत हम पहला अंग पढ़ रहे हैं शिक्षा, है ना, इसी के तहत अब देखो। अच्छा संतान, साम के बाद मैं आपको अभी पढ़ाया था आपको साम, और पढ़ाऊंगा आपको संतान। संतान क्या होता है, संतान होता है संहिता के साथ उच्चारण करना, संतान पुत्र बेटे बेटी या इसका मतलब नहीं है, संहिता के साथ उच्चारण, है ना, संहिता वो मंत्र है, संहिता के साथ उच्चारण, है ना, मंत्रों का विधि पूर्वक एक तरह से, या संहिता के साथ उच्चारण जो है वो संतान कहलाता है। अब देखो शिक्षा ग्रंथ, कुल शिक्षा ग्रंथ कितने हैं, बहुत सारे हैं, है ना, शिक्षा ग्रंथ कुल कितने हैं, बहुत सारे हैं, आप सबको पता है, लेकिन यहां अगर हम देखेंगे तो शिक्षा ग्रंथ कुल मिला के कितने माने गए हैं, 32 माने गए हैं। देखो इसकी भी वेदांगों ने इसकी भी संख्या निर्धारित कर दी जो कोई नहीं कर पाया, शिक्षा ग्रंथ कुल कितने माने गए हैं, 32। ठीक है, अब 4 वेद अपन ने पढ़े थे, पहला था कौन सा, ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद, अब देखो इसमें क्या चीज आती है, दूसरा यजुर्वेद था, ठीक है, तीसरा सामवेद था, चौथा अथर्ववेद था, है ना। अब इन चारों वेदों से संबंधित शिक्षाओं के बारे में देखो, ये जो सवाल बता रहा हूं ना, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल अक्सर नेट सिलेक्ट कॉलेज लेवल के एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है, साथ साथ वो लोग भी जो टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लें, विशेष रूप से खास करके सी टेट वाले स्टूडेंट्स। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे कौन सी शिक्षा संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है पाणिनीय शिक्षा, ठीक है, पाणिनीय शिक्षा किससे संबंधित है, ऋग्वेद से, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, इसमें से कई बार सवाल आए हुए हैं, ऋग्वेद से शिक्षा संबंधित है पाणिनीय। अब एक है याज्ञवल्क्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, ठीक है ना, दूसरी भारद्वाज शिक्षा, ये सब गोत्र हैं, है ना, ब्राह्मणों के गोत्र भी हैं, ये ऋषियों के गोत्र भी हैं,
ब्राह्मणवाद शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा और तीसरी है व्यास शिक्षा। व्यास शिक्षा ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। सामवेद से देखो आप, सामवेद से नारद और सातकायन शिक्षा संबंधित है। नारद और सातकायन है ना शिक्षा, मैं बता रहा हूं शिक्षा। और अब है अथर्ववेद, अथर्ववेद से संबंधित है मांडुक्य शिक्षा है ना, मांडुक्य शिक्षा। शिक्षा पढ़ रहे हैं ना वेदांगों में, पहला अंग वेदांग छह और पहले पढ़ रहे हैं शिक्षा। तो देखो संतान संहिता के साथ जो उच्चारण किया जाता है वो संतान कहलाता है। शिक्षा ग्रंथ कुल 32 निर्धारित किए गए। अब देखो कौन सी शिक्षा किससे संबंधित है और शिक्षाओं के नाम भी है, जैसे पाणिनीय शिक्षा ये संबंधित है ऋग्वेद से, इस तरह सवाल आता है। पाणिनीय शिक्षा संबंधित है ऋग्वेद से। दूसरी है याज्ञवल्क्य शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा है ना। तीसरी है व्यास शिक्षा, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और व्यास ये शिक्षाएं संबंधित है यजुर्वेद से, ठीक है। सामवेद से संबंधित है नारद शिक्षा और सातकायन शिक्षा या नारदीय शिक्षा और सातकायन शिक्षा शिक्षा सॉरी ठीक है। और अथर्ववेद से संबंधित है मांडुक्य शिक्षा, ठीक है। ये शिक्षा विभिन्न वेदों से संबंधित है और उनके नाम भी अलग अलग है, ठीक। अब देखो प्रतिशाक्य मैंने बताया था आपको, प्रतिशाक्य ग्रंथ क्या है ना और इसके रचयिता क्या है। देखो ऋग प्रतिशाक्य एक है, ऋग प्रतिशाक्य है ना, ऋग प्रतिशाक्य है। तो ऋग प्रतिशाक्य क्या है, ये प्रतिशाक्यों का एक प्रमुख प्रतिनिधि ग्रंथ है। और इनके ऋग प्रतिशाक्यों के रचयिता कौन है, इनके रचयिता है इनके शौनक ऋषि है ना, शौनक ऋषि इसके रचयिता है, किसके ऋग प्रतिशाक्यों के। अच्छा इनमें क्या है कि अध्याय 3 है और 18 पटल या पाटल कहलाते हैं। इसमें ऋग प्रतिशाक्यों में 3 अध्याय हैं और 18 पटल है ना। तो ऋग प्रतिशाक्य के रचयिता कौन है, शौनक ऋषि, ये प्रतिशाक्य है, इसमें 3 अध्याय हैं और 18 पटल है। अच्छा इसमें ऋग प्रतिशाक्य को क्या, इसको परिषद क्या कहा जाता है, इसका उपनाम क्या है, परिषद है ना, ऋग प्रतिशाक्य का उपनाम है परिषद। इसमें पद संधि स्वर क्रम पाठ वेदांत आदि के बारे में दिया गया है। दूसरा है प्रमुख, ये प्रतिशाक्य का प्रमुख प्रतिशाक्य बता रहा हूं। दूसरा है बाल सनेही प्रतिशाक्य है ना, बाल सनेही प्रतिशाक्य, मैं क्या वही बता रहा हूं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम के नेचर के हिसाब से ही ये स्टडी यहां मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये बाल सनेही प्रतिशाक्य में क्या है, ये 8 अध्याय विभक्त है, इसमें अध्याय कितने हैं, 8 अध्याय है, ठीक है ना। और इसकी विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु इसकी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमें भाषा विज्ञान के बारे में बताया गया है ना, भाषा विज्ञान के बारे में बाल सनेही प्रतिशाक्य में बताया गया है। तो वेदांत का पहला शिक्षा ये आप ढंग से इसको देख लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से होगा ये कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा, आपके पास वो जानकारी सबसे पहले पहुंचेगी और इसका तुरंत आप लाभ उठाएं। और अगले जो भी वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं उनको आप देखते रहिए, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको आगे बढ़ाने में, कंपटीशन को फाइट करने में, आपको सक्सेस करने में काफी मददगार साबित होगी। दोस्तों जल्दी ही हम आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।